उपमंडल स्वारघाट में पर्यटन विभाग के होटल हिलटॉप के प्रांगण में नैना देवी विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, विधायक निधि का दुरुपयोग रोकने के लिए हर साल श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए, ताकि विधायक को हर साल मिलने वाले 125 करोड़ की धनराशि का जनता के लिए सही मायने में उपयोग किया जा सके। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने तो उसमें 1 करोड़ 20-25 लाख रुपये पेंशन था, लेकिन जल्दबाजी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने टेंडर लगा दिए, ठेकेदार ने 76 लाख निकाल भी लिए, 76 लाख के टेंडर जो है वो काम करके उसके बाद काम बंद कर दिया। इसलिए काम बंद किया क्योंकि बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो है वो जब तक यूनियंस नहीं आती है तब तक कोई भी अथॉरिटी काम शुरू नहीं करवा सकती। अब प्रश्न ये था कि क्या हम राजनीतिक देश की भावना से उसकी इंक्वायरी करवाते हैं। हमने लोगों से भी कहा इंक्वायरी कराएंगे तो सड़क नहीं बनेगी। इसलिए 5 सालों में हमने कोशिश ये करी कि कटीर पुनवाना जो सड़क है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर उसकी क्लियरेंस हो जाए और उस सड़क को हम प्राथमिकता में डाल रहे हैं। ऐसे हमारी और भी सड़कें हैं जिनकी हमने फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवाई है, जहाँ जहाँ भी हमने जो है वो DPR तैयार करी है। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि उन सड़कों को हम प्राथमिकता में दें ताकि वो साल के अंदर जो है वो पूरी भी हो जाए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो विधायक का चुनाव क्षेत्र के लिए जो फंड है वो काफ़ी राशि होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दुरुपयोग ही हुआ, लेकिन देखने में आया है कि ऐसी जगह पे पैसा दिया जाता है जहाँ पे जंगलात हैं, जंगलात से सड़क बन नहीं सकती। और कई जगह पे तो ऐसा भी हुआ कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो कोई युवक मंडल है, कोई महिला मंडल है, वही फॉरेस्ट वालों को टेलीफोन करते हैं कि इसको आप बंद करवा दो, ना पैसा वो वापिस होता है और ना लगता है। ऐसे पैसा देना जो है ये बताऊंगा जिक्र में नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि हम इनमें ना फंसे और जो पुराना पैसा गया है वो कितने काम हुए कितने नहीं हुए इसकी छानबीन करना है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।